नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चीनी घुसपैठ के मामले में। अगर आपने मेन स्ट्रीम चैनल्स अगर देखे हो तो जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और उस पर जो आर्मी के जो ऑफिशियल्स जाते हैं वो सरकार की सिर्फ गा रहे हैं, यानी कि सरकार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं मेन स्ट्रीम चैनल्स पर। आप किसी भी आर्मी ऑफिशियल से बात कर लीजिए, वो आपको असली पिक्चर नहीं बताएगा कि सरकार की नीतियों में क्या खामी है। आखिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरीके के ट्रांसग्रेशंस क्यों हो रहे हैं, क्या कर सकती है आर्मी, क्या कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस। लेकिन आप आर्मी ऑफिशियल्स को अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन आपको सही सिचुएशन, सही नीति पर बात करने वाले कम ही लोग मिलेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो आपको जो यथास्थिति है और बिल्कुल बेबाक होकर वो बताएंगे। आज हमारे साथ बहुत जाना माना चेहरा है आर्मी ऑफिशियल्स में, अगर आप कहें तो मेजर जनरल डॉक्टर यशमोर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर यशमोर का एक यूट्यूब चैनल भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं, एकेडमिक्स में भी उतने ही इन्वॉल्व हैं जितने की एक सेलिब्रेटेड और डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं। डॉक्टर यशमोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर, एंड इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम विद द होप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस the exact picture of what is happening, what is going wrong. सरकार देखिए, सरकार कोई चर्चा नहीं चाह रही है इस मुद्दे पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस तरीके की जो घुसपैठ हुई है, क्या असलियत है, न सरकार से पता चल रहा है और जो आर्मी ऑफिशियल्स आपको मेन स्ट्रीम चैनल पर मिलते हैं वो सिर्फ सरकार की गाते हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि सर, जो 9 दिसंबर को ये हादसा हुआ जिसमें कि चीनी सैनिक अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आए और उन्होंने झड़प की भारतीय सैनिक से, इस तरीके के ट्रांसग्रेशन सर इतने ज्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सरकार की अगर सुने, रक्षा मंत्री ने भी कहा कि देखिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बना रहे हैं, उससे हमें एडवांटेज है। लेकिन अगर एडवांटेज है तो फिर इस तरीके के ट्रांसग्रेशन क्यों हो रहे? पहली बात तो नीलू जी, अच्छा लग रहा आपके शो में आने का। आपको याद है लास्ट टाइम हम अग्निपथ पे हमने कई बार बातचीत की थी और उस टाइम भी आप देखो बहुत कम लोग थे जो इन बच्चों के फेवर में आए थे। एंड आज भी मैं कमिटेड हूँ उस चीज पे कि जो है ये हमने बहुत सारे लाखों बच्चों को के साथ जो है कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है जो उस प्रोसेस के अंदर थे। चलो आज हम बात कर रहे हैं चीन के ऊपर, तो मैं ये बता दूं कि पिछले 3 साल से देखो हमारे रिलेशनशिप विद चाइना एकदम फ्रोजन है। मतलब देखो सेनाएं लड़ती हैं बॉर्डर के ऊपर लेकिन उनको बड़ी पिक्चर कभी पता नहीं होती है। बड़ी पिक्चर हमारे डिप्लोमेट्स को पता होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप को पता होती है और ये उनका काम होता है। अब 71 वॉर की बात देखो, जब की सिचुएशन थी, अभी मैं कई सीरीज कवर की 71 वॉर पे, मौका मिले तो आप देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे कि क्या कारण था पाकिस्तान का सरेंडर होने का, कैसे हमारी डिप्लोमेसी ने जो है फोर्सेस को वो मौका दिया कि जाओ आपके पास विंडो है, वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अदर थिंग। तो आप देखिए इंदिरा गांधी के जो ट्रिप्स थे फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन मिनिस्टर की किससे हमने एक माहौल बनाया कि भाई एंड वी वर एबल टू यू नो लिबरेट बांग्लादेश। तो ऐसे हमने कारगिल पे देखो कितना बढ़िया माहौल बनाया था, जबकि पाकिस्तानी हमारे एरिया में आ गए थे, बट अगर डिप्लोमेसी रोल प्ले नहीं करती ना तो वो लड़ाई इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। तो डिप्लोमेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे इस टाइप के उसमें। एंड चाइना के साथ पता नहीं क्या हुआ है कि इतने अच्छे रिलेशंस हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर के तो पर्सनल रिलेशनशिप रही है बिल्कुल एकदम, इतनी बार वो चाइना गए हैं चाइनीज प्रीमियर के साथ, एकदम लगता नहीं कि कोई प्रोटोकॉल भी, एक फ्रेंडशिप के तौर पे नजर आ रहा था। एंड ट्रेड वाज बूमिंग विद चाइना, हर चीज लग रहा था बहुत अच्छा चल रहा है हमारा चाइना के साथ। एंड फिर एक पीस और ट्रैंक्विलिटी भी है बॉर्डर पे और मतलब एकदम बढ़िया चल रहा था, एकदम ऐसे लग रहा था। फिर क्या हुआ है कि 2020 मई जून के किस्सों के बाद और उसके बाद देखो टोटल फ्रीज हो गया रिलेशनशिप के अंदर। और एंड वी हैव एन एक्सेलेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नाउ, ही अंडरस्टैंड्स दिस, ही इज अ कैरियर जो है डिप्लोमेट, वो ऐसे नहीं है कि उनको इसको उनको पूरा पता है नहीं, स्पीक्स वेरी वेल, ही अंडरस्टैंड। तो क्या कारण है आज कि हम चाइना से बात नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि 17 राउंड कोर कमांडर मीटिंग के हो गए नीलू जी, कल एक मीटिंग हुई है जिसका मतलब अब पता चला है कि कल मीटिंग हो चुकी है। एंड कोर कमांडर लेवल 17 टॉक्स जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्वॉल्वड है डीपली, उन्हीं की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं। तो क्या कारण है
तो ये और मुझे ये बताइए कि जो ये कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, सरकार की नीति जब क्लियर नहीं है तो ये कोर कमांडर्स की मीटिंग से भी क्या हल निकलने वाला है, मुझे पहले ये बताइए। 16 राउंड 17 राउंड की अगर मीटिंग हो गई है और उसके बावजूद इस तरीके की झड़पें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो पॉलिसी में गड़बड़ है। वो पॉलिसी में जो भी चीजें गड़बड़ है, वो एक टेबल पर क्यों नहीं उसके लिए नेगोशिएशन हो सकता? क्या वो इतना डिफिकल्ट है? वही मुझे लग रहा है। देखो, मुझे बड़ा खतरा क्या लग रहा है नीलू जी, अब लद्दाख में हमारा स्टैंड ऑफ अभी हमने 3 सर्दियां काट दी वहां पे जवानों ने, उन पोस्टों पे जहां कभी नहीं रहते थे। अब क्या है, हमने इतने एडिशनल ट्रूप्स भेज दिए, वो हमारे रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा ड्रेन है। जब हमने टैंक्स, एयरक्राफ्ट गन्स और एमनिशन और जवानों को इतनी भारी तादाद में डिप्लॉय कर दिया है, चाइना डजंट डिप्लॉय, वो एक्शन करके वापस आ जाते हैं अपने कंटोनमेंट्स में, हम वहीं पे हैं। तो ये हमारे लिए हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस पर एक बहुत बड़ा जो है एक्सपेंडिचर है जो हमें नहीं, अदरवाइज नहीं कर रहे होते हम। अब क्या ढोकलम में हुआ, उसके बाद अभी यहाँ पे तवांग में हो रहा है, अब क्या हम तो डिप्लॉयड रह जाएंगे वहां पे कि दोबारा चाइना ऐसा कुछ ना करे। तो ये जो चीज हम जो मुझे ये बड़ा खतरा लगता है कि कहीं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पीस और ट्रैंक्विलिटी की लाइन रही है जिसमें आज तक गोली नहीं फायर हुई है, क्या वो लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील तो नहीं हो जाएगी आगे जाके? क्या हम अपने तो बहुत जरूरी है हम चाइना के साथ बात करें, सेक्टर टू सेक्टर बात करें और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लें कि यार रिजॉल्व करना है बॉर्डर इश्यू को।